बाई सबसे पहले ई कॉमर्स ई बिज़नेस ई इंटरमीजरी इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं इनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर उसके बाद आगे के टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ई कॉमर्स का वर्ड बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है आज की तारीख में आप बहुत सारे लोगों को ई कॉमर्स का वर्ड यूज़ करते हुए सुनेंगे और बहुत सारे ऐसे फ्री लांसर्स हैं जो अमेज़ॉन या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एज़ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज वगैरह ऑफ़र करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो ई कॉमर्स है सबसे पहले तो ई e कॉमर्स का मतलब क्या है और ये ई बिजनेस टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है? E का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि कस्टमर और सप्लायर प्रोवाइडर और कस्टमर के दरमियान का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अगर इलेक्ट्रॉनिक पे हो रहा है अगर इंटरनेट पे हो रहा है इंटरनेट को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की मदद से हो रहा है तो ऐसी चीज को आप कहेंगे ई e कॉमर्स E-commerce can be described as all electronically mediated information exchanges between an organization and its stakeholders. Yes, external stakeholders. E-commerce e is sell side if it is between an organization and its customers and is buy side if it is between an organization and its suppliers. ये एक बेसिक सी और सादा सी डेफिनेशन है कि भाई दो पार्टीज के दरमियान अगर इंटरनेट के थ्रू कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है या सेल परचेस की ट्रांजेक्शन हो रही है तो आप इसे ई कॉमर्स कहेंगे अगर ये सेल साइड है मतलब कंपनी कस्टमर को सेल कर रही है अगर ये बाई साइड है यानी कि कंपनी अपने सप्लायर से परचेज कर रही है दो तरीके की साइड नजर आ गई एक और ऑल्टरनेट डेफिनेशन भी है इसकी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा ओवर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क प्राइमरिटी इंटरनेट आप इंटरनेट को इस्तेमाल करके बाइंग और सेलिंग की ट्रांजेक्शन करें ये बेसिकली ई कॉमर्स की डेफिनेशन के अंदर आता है दीज बिजनेस ट्रांजेक्शन अकर आइदर बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस टू कंज्यूमर कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस ये चार टाइप्स यहाँ पे उन्होंने हमें बता दी गई यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी टू बी की बात करूँ तो यूनिटी फूड्स ने इंटरनेट को यूज करते हुए फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट को यूज करते हुए अपने कुछ प्रोडक्ट्स किसी ऑयल कंपनी को ऑफर किए जैसे लेस को ऑफर कर दिया फॉर एग्जाम्पल अपना कोई ऑयल था कोई और प्रोडक्ट था वो लेस जैसी कंपनी को ऑफर कर दिया थ्रू इंटरनेट और इंटरनेट के थ्रू लेस ने परचेस कर लिया ये बी टू बी ट्रांजेक्शन कहलाएगी ठीक है किसी आ, आपके लिए मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने अपनी वेबसाइट के ऊपर हॉस्पिटल के लिए इक्विपमेंट जो है वो लिस्ट करके रखा अब वो मैन्युफैक्चरर को हॉस्पिटल अप्रोच कर रहा है थ्रू इंटरनेट ये बी टू बी कहलाएगा बी टू सी का मतलब जहाँ पे वेबसाइट जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फोन के कवर्स परचेस करते हैं आप हेडफोन्स परचेज करते हैं आप जो एयरफोन्स एयरबड्स वगैरह परचेज करते हैं ये सिंपल बिजनेस वेबसाइट पर अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करता है कपड़े कपड़े परचेज करते हैं फूड परचेज करते हैं खाने पीने की आइटम्स हैं पहनने की जिंदगी गुजारने की सिंपल कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर आइटम्स लगाई हुई है आपने परचेस कर ली ये बी टू सी ट्रांजेक्शन कहलाती है बिजनेस टू कंज्यूमर बी टू सी ट्रांजेक्शन कहलाती है सर सी टू सी या कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या है आपने मिसाल के तौर पे किसी प्लेटफॉर्म पे अपना कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए लगाया अपना कोई पुराना फर्नीचर है सोफा है मोबाइल है लैपटॉप है आ, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वॉशिंग मशीन वगैरह ए वगैरह आपने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट किया और सामने खरीदने वाला भी एक कंज्यूमर है बेचने वाला भी एक कंज्यूमर है जिसने बेचा वो भी कंज्यूम कर रहा था यूज़ कर रहा था जिसने खरीदना है उसने भी यूज करने के लिए खरीदना है यानी जनरल आप और मेरे जैसी आवाम ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन कहलाती है इसी तरीके से कंज्यूमर टू बिजनेस की क्या एग्जाम्पल होगी सर आपने कोई अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करने के लिए लिस्ट किया टू अ कंपनी आपने कंपनी से कहा कि जी हमारी गाड़ी या हमारे कपड़े या फलाना चीज़ कोई जो है वो आप परचेस कर लें ये कंज्यूमर टू बिजनेस की ट्रांजेक्शन हुई इसी तरीके से आपने एफिलियट मार्केटिंग देखी होगी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ब्रांड्स को इंडोर्स करते हैं और कहते हैं जी हमारा फलाना कूपन कोड है या कोई लिंक है आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें आपको इतना इतना डिस्काउंट मिल जाएगा ये बंदा खुद जो एफिलियेट मार्केटिंग कर रहा है ये टेक्निकली उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर है और हमसे कह रहा है कि हम उसे परचेस करें तो उसने हमें राउट कर दिया टुवर्ड्स अ बिजनेस ये कंज्यूमर टू बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगी जहाँ पे एक एफिलियेट मार्केटियर अपनी सर्विसेज दे रहा है एक बिजनेस कंपनी को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को और उनसे एड रेवेन्यू का शेयर ले रहा है या रेवेन्यू का शेयर ले रहा है किसी भी तरह की प्रोडक्ट की सेल्स अगर उससे हो रही है तो प्रोडक्ट की सेल्स के रेवेन्यू का वो शेयर ले रहा है तो एफिलेट मार्केटिंग इसकी बारह एक्जाम्पल बन सकती है एक और टर्म आपको सुनाई देगी बहुत ज्यादा डायरेक्ट टू कंज्यूमर कि मैन्युफैक्चरर खुद अपनी वेबसाइट के थ्रू कस्टमर को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर बीच में कोई रिसेलर नहीं है बल्कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कस्टमर तक इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट्स पहुंचा रहा है ये डी टू सी ए डायरेक्ट टू कंज्यूमर कहलाता है सर ये हो गई बेसिक डेफिनेशन हमारी ई e कॉमर्स की अगर ई e कॉमर्स की डेफिनेशन ये है तो फिर ई बिजनेस में यही चीज होगी क्या फर्क है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है आए ई बिजनेस की डेफिनेशन को देखते हैं ई e बिजनेस का मतलब है कि ना सिर्फ परचेस सेल न सिर्फ कस्टमर और सप्लायर के साथ जो ट्रांजेक्शन हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं वो इंटरनेट पे हो रही हैं बल्कि पूरे बिजनेस का जो वर्क फ्लो है वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर हो रहा है फॉर एक्साम्पल एक दुकान है वो अपने प्रोडक्ट्स व्हाट्सएप के थ्रू या इंटरनेट पे किसी बेसिक वेबसाइट के थ्रू जो है वो सेल सेल करते हैं हैं प्रोडक्ट हो गया फिर बाकी सारी सारी अकाउंटिंग डेटा मैनेजमेंट चीजें होती तो हम कहेंगे यार ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे तो हैं लेकिन ये ई बिजनेस नहीं है इन्होंने अपने बिजनेस के हर वर्टिकल को इलेक्ट्रॉनिक नहीं किया हुआ मैनुअल काम कर रहे हैं मैनुअल सिस्टम चला रहे हैं लेकिन फॉर अ कंपनी लाइक करीम उबर फॉर अ कंपनी लाइक ओला जो इस तरह की टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं इनके सारे वर्क फ्लोज टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ सेल परचेज नहीं होती हर चीज इनकी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होती है हर चीज ये टेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव से करते हैं टेक्नोलॉजी के एतबार से करते हैं इनके वर्क फ्लोज इनके एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इनके एम्प्लॉय की ऑन बोर्डिंग इंटरव्यूज काम करने का तरीका एवरी थिंग इज टेक्नोलॉजी इन टूल्स डिपेंडेंट आई वॉज रिसेंटली टॉकिंग टू वन ऑफ माई क्लाइंट्स जिन्होंने हमें बताया कि हमारे कंपनी के जो फिजिकल कार्ड्स तक हैं क्रेडिट कार्ड्स तक वो भी हमें इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड किए गए हैं और एक वेबसाइट है वहाँ से जाके हम अपने कार्ड के कोड्स को जनरेट करते हैं और जब वो दुकानदारों को प्रोवाइड करते हैं तो हमारी पेमेंट्स वगैरह वहाँ पर हो जाती हैं यानी इंप्लाईज़ जो कंपनी के बिहाफ पे एक्सपेंसेस करते हैं उसका भी उन्हें बजट एलोकेट कर दिया जाता है और वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिविन प्रोसेस है कोई कैश की मूवमेंट वगैरह उसके अंदर नहीं होती बैंक से पैसे टॉप अप होते हैं और वो उस कार्ड को कहीं पर भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं जहाँ उन्हें कंपनी के किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए कोई ट्रांजेक्शन करनी है या कोई पेमेंट वगैरह करनी है तो ई बिजनेस इज कंप्लीट एंड होलिस्टिक अप्रोच कि ना सिर्फ आपका परचेस सेल का एंगल बल्कि तमाम ट्रांजेक्शन का तरीका कार तमाम चीजों का तरीका टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है ई बिजनेस इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स बट आल्सो इंक्लूड्स वर्क And movements of information within an entity, for example, between departments or functions, internal processes are driven by e-business methods as well as external relationships with customers, suppliers, and other external stakeholders. तमाम चीज़ों की मैनेजमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होती है कहीं पे कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं होता कहीं पे कोई बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती ह्यूमन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं लेकिन प्रोसेस और कंट्रोल सारे टेक्नोलॉजी के अराउंड होते चले जाते हैं ठीक है इसकी कुछ ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी हैं ई बिजनेस इज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस बहुत इंटरफर्म ओवर कंप्यूटर मीडिएटेड नेटवर्क यानी तमाम की तमाम चीजें कंप्यूटर मीडिएटेड नेटवर्कस पर हो रही हैं ई बिज़नेस इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन अक्रॉस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एट एनी स्टेज इन द सप्लाई चेन वेदर पेड और अनपेड तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन आपकी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से हो रही हैं चाहे आप उनकी पेमेंट करें या आप उनकी पेमेंट ना करें तो क्या सर ई बिजनेस और इंफॉर्मेशन फ्लो की अगर हम बात करें तो उसमें पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती क्या ये जरूरी नहीं है किसी बिजनेस की क्लासिफाई ई कॉमर्स या इ बिजनेस होने के लिए कि उनकी पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली होनी चाहिए क्या ये जरूरी नहीं है नहीं ऐसा जरूरी नहीं है अस्यूम करें कि आपकी एक चश्मे की दुकान है ठीक है आपका एक कस्टमर है जो आपकी वेबसाइट पर जाता है चश्मे का सेट शेड सेलेक्ट करता है साइज वगैरह सेलेक्ट करता है और ऑर्डर प्लेस कर देता है पेमेंट भी ऑनलाइन कर देता है ये एक तरीका है दूसरा तरीका यह है कि आपने क्या किया आपने चश्मे के आउटलेट्स खोले यानी कि शॉप्स खोली बहुत सारी हर जगह पे लेकिन आपने वो इन्वेंट्री नहीं रखी आपने कस्टमर से कहा कि आप यहाँ आएं चश्मे का एक डिज़ाइन पिक करें उसको एक्सपीरियंस करें कि वो फ्रेम आपको कैसा लग रहा है वो ग्लासेस आपको कैसे लग रहे हैं और सेल्समैन खुद जो दुकान में खड़ा हुआ है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर प्रोसेस करेगा और कुछ दिन बाद एक सेंट्रल वेयर हाउस से एक जामे वेयर हाउस से आपके पास वो गुड्स जो है वो डिलीवर हो जाएंगे घर पर यानी हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेंट्रलाइज्ड है स्टोरेज सेंट्रलाइज्ड है यहां पे हमने डिस्प्ले के लिए कुछ आइटम्स रखे हुए हैं आप आए चश्मे को एक्सपीरियंस करें अपना नंबर निकलवाएं और हमें बताएं क्या चीज ऑर्डर करनी है हम खुद आपके लिए ऑर्डर प्लेस कर देंगे और फिर वो आपके घर पर जो है वो डिलीवर हो जाएगा अब ये जरूरी नहीं कि वहां कस्टमर खड़ा है अगर शॉप पर तो वो ऑनलाइन ही पैसे दे हो सकता है कंपनी जो है वो कैश में पैसे देना पसंद करे आप मेडोनल्ड्स के एफ सी जिस तरीके रेस्टोरेंट्स में जाते हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती है आप इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली आपको पता चलता है आपका ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है लेकिन लेकिन अगर आप चाहें तो वहां पे कैश पेमेंट भी कर सकते हैं इस बात की मना नहीं होती पाकिस्तान जैसे ममालिक में इंडिया जैसे ममालिक में अभी भी बहुत सारी कैश ट्रांजेक्शन होती हैं बाहर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लोग तकरीबन तकरीबन यूज ही अपनी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का मेथड करते हैं यानी अगर मैं ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन फ्लो की बात करूं तो ई बिजनेस ट्रांजेक्शन डू नॉट ने इन्वॉल्व पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विस ट्रांजेक्शन ऑफ रादर ट्रांसफर ऑफ मनी ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पैसे ही पे करें इलेक्ट्रॉनिकली तो ही वो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन बनेगी कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर ने आपके आउटलेट पर विजिट किया सारी इंफॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रॉनिकली दी ऑर्डर भी ऑनलाइन प्लेस किया लेकिन वो उसी आउटलेट के ऊपर आपको पैसे देकर चला गया कैश पेमेंट करके चला गया हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स नहीं थी ये ये ई बिजनेस नहीं था सिर्फ एक प्रोसेस कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए आपने कैश का ऑप्शन रखा था कस्टमर चाहे तो वो कैश पे कर सकता है उसके बाद आपकी जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रही हैं जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक हैं आई बेस्ड हैं तो फिर वो कंपनी ई बिजनेस की क्लासिफिकेशन के अंदर या ई बिजनेस के शुमार के अंदर आपके पास जो है वो शामिल हो जाएगी यानी कि पेमेंट को इसको लाजि ना समझें ज्यादा आप इस बात पर फोकस करें कि कंपनी का कम्युनिकेशन नेटवर्कस को यूज़ कर रही है या नहीं कर रही इन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में हमारे पास इंटरनेट कॉपोरेट वेबसाइट्स आ जाती हैं कंपनी का इंप्लॉइज के लिए आपस में एक इंटरनल इंट्रानेट बनाना ये इसके अंदर शामिल हो जाता है टेली हो जाते हैं जैसे मोबाइल टेलीफोनी वगैरह और इंटरक्टिव टेलीविजन जिसके अंदर कंज्यूमर आपकी मार्केट्स को कंज्यूमर मार्केट्स के अंदर स्पेशली यूज किए जाते हैं इस तरीके की चीजें बहरहाल यहाँ पे जो है वो शामिल होती है क्या कंपनी कम्युनिकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन की इम्पार्टमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह कोई बात कम्युनिकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है अगर उसके सारे प्रोसेस के अंदर यह है तो फिर वो ई बिजनेस कहलाएगा और अगर सिर्फ और सिर्फ परचेस सेल की हद तक है बाकी प्रोसेसेस में नहीं है तो फिर वो एक ई e बिजनेस की ट्रांजेक्शन आपके पास जो है वो कहलाएगी तो यहां तक आते आते हमने ई e बिजनेस की डेफिनेशन ई कॉमर्स की डेफिनेशन को समझा दोनों में क्या फर्क है क्या बारीक बॉर्डर लाइन है क्या डिफ्रेंसिएशन है वो समझने की कोशिश की और ये देखा कि क्या पेमेंट सिस्टम लाजिम कनेक्ट होंगे तो ही एक कंपनी ई बिजनेस या ई e कॉमर्स कहलाएगी या पेमेंट सिस्टम ना हो होकर भी इस तरह की कोई बात हो सकती है इन तीनों की चीजें हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ देख ली अब सर एक फंडामेंटल सवाल का जवाब दें एक फंडामेंटल बात बताएं अगर मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है चीज़ें मुझे लग रहा है कि ग्रो कर रही हैं लोग आ रहे हैं शॉप पे चीज़ें परचेस कर रहे हैं मैं क्यों उसके अंदर ई बिजनेस की जो है वो तरीकाकार को इन्फ्लक्स करूं? मैं क्यों ई बिज़नेस की मेथडोलॉजीज लेकर आऊं? मैं क्यों ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को इस्तेमाल करूँ क्या ज़रूरत है और इसकी मेरी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इंप्लीकेशन होगी हाउ वुड यू से कि यहाँ पे कोई इंप्लीकेशन आनी है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज आनी है और मैं कह सकता हूं कि यार बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी तो मुझे ई बिजनेस को लाजमी इसके अंदर जो है वो एंटर कराना है क्या ऐसा जरूरी है नो मुझे तो नहीं लगता इसका क्या जवाब है देखिए जब आप अपने बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं एक्चुअली जब ई बिजनेस ई कॉमर्स जैसे प्रिंसिपल्स और मेथडोलॉजी की तरफ कन्वर्ट करते हैं वहां पे टेक्नोलॉजी के यूज को लेकर आते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को लेकर आते हैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं इनसाइट्स को जनरेट करते हैं उसके हिसाब से अपने कस्टमर को समझते हैं ई e मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं सिक्स आइज ऑफ मार्केटिंग अप्लाई करते हैं कस्टमर को समझते हुए रिस्पॉन्ड करते हैं जब आप इस तरीके की चीज़ों को इंकल्केट कराने की कोशिश करते हैं बिजनेस में आपके प्रोडक्ट की एफिशेंसी बढ़ती है आपके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ती हैं बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज आता चला जाता है आप आगे बढ़ते चले जाते हैं सर इस तरीके के बिजनेसेस जो टेक्नोलॉजी ड्रिवेन है जैसे ऊबर करीम बाइकिया वगैरह की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ या फूड पांडा की एग्जांपल दे रहा हूं ये तो अपनी जगह पर है अग्रीड समझ में आती है बात कि ये बहुत ज्यादा टेक इनेबल्ड बिजनेस है लेकिन छोटे बिजनेसेस को इस चीज का फायदा कैसे होगा देखो बहुत ज्यादा आपको छोटे बिजनेसेस के अंदर ये बात नजर आएगी कि जो ओनर है वही सब कुछ कर रहा है हमने ग्रीनर्स ग्रोथ मॉडल के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी लेक्चर्स को लेते हुए यानी समझते हुए हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि सबसे पहले ओनर बिजनेस को ड्राइव कर रहा होता है और सारी क्रिएटिविटी ओनर की तरफ से होती है आगे जाके चीज़ें फिर जो है वो बढ़ती चली जाती हैं और फिर कंट्रोल्स वाला मामला और कोऑर्डिनेशन और डेलीगेशन वाला मामला सारा जो है वो आपका चलने लगता है जब ऐसी कंपनीज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और प्रॉपर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करती हैं तो उनके लोगों की प्रोडक्टिविटी नजर आने लग जाती है कहाँ वेस्टेज हुआ किधर प्रोडक्ट जया हुआ कितनी जल्दी डिलीवर हुआ कस्टमर का फीडबैक क्या आया कस्टमर ने क्या रिस्पॉन्ड किया कितनी तेजी से हमारा रेवेन्यू ग्रो हुआ साल के किस दिन हमने कैसा परफॉर्म किया कितने यूनिट्स हमने सेल किए जब ऐसे डेटा पॉइंट्स और इस तरीके की चीजें इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट होना शुरू होती हैं और टेक्नोलॉजी इनेबल होना शुरू होती है कंपनीज के अंदर आपके सामने हकीकतें नजर आने लग जाती हैं वो पी एन एल बजट्स जो लोग मैनअली बनाया करते थे और जब दिल होता था जब हिम्मत होती थी बना लेते थे या क्वार्टर में एक दफ़ा उसकी एक्सरसाइज करते थे अब एक एम आई ए सिस्टम आपको हर तीन दिन के अंदर हर हफ्ते के अंदर हर दो हफ्ते के अंदर आपकी डिमांड प्लानिंग करके दे सकता है आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग करके दे सकता है नजर आ सकता है कि आपका स्टाफ कितना आउटपुट दे रहा है कितना नहीं दे रहा कस्टमर कितना खुश है कितना रिपीट सेल्स आ रही हैं कितना बर्न रेट है कितना चर्न रेट है कितना, कितना ज़्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है आपकी कस्टमर एक्विजेशन कॉस्ट क्या है इस सारी चीज़ें नजर आने लग जाती हैं रिपीट रेट क्या है एक्टिव यूजर्स मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कितने हैं कितने लोगों ने दोबारा ऑर्डर प्लेस किया कितने लोग आके चले गए कितने लोग वेबसाइट पे आए एक जगह पे क्लिक किया और वहाँ से चेकआउट कर गए या वहाँ से बाहर ही निकल गए परचेज ही नहीं किया ये सारी चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी के यूज से समझ आने लगती है और कंपनी की परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता एनहांस होने लगती है आहता आहता नजर आने लगता है यार हम कहां गलत कर रहे हैं कहां सही कर रहे हैं प्रोडक्ट में कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है कस्टमर का कौन सा पेन पॉइंट है जो हमें सॉल्व करने की जरूरत है ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट से इने, इनेबल करने से कंपनी की परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट आने लग जाती है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट आने लग जाती है क्वालिटी इंप्रूव होने लग जाती है लोगों की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने लग जाती है रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैक होने लग जाती है कंपनी को पता चल जाता है कि अब उसे फंड्स कहां यूटिलाइज करने चाहिए इस मार्केट में कितना पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है सोन एंड सोफोर्थ बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जबकि टेक्नोलॉजी लेकर आने से आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और दूसरी चीजें काफी हद तक इंप्रूव हो गई प्लस मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए जो डिजिटल चैनल्स आप इस्तेमाल करते हैं डिजिटल मेथड्स आप इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोगों तक आप पहुंच जाते हैं क्यों आज लोग अखबार में ज्यादा एड्स नहीं देते न्यूज पेपर्स में नहीं देते ज्यादा सोशल मीडिया को टारगेट करते हैं हत्या के अब तो ये बात हो गई है कि दुनिया भर की इलेक्शन कैंपेन्स तक सोशल मीडिया पर चलने लगी हैं यूट्यूब पर फेसबुक पर लीडर्स एडवर्टीजमेंट्स में नजर आते हैं अपने अपने मैनिफेस्टो को बताते हुए अपनी पॉलिसीज को बताते हुए अपने रीजंस को बताते हुए तो टेक्निकली स्पीकिंग इलेक्ट्रॉनिकली इनेबल्ड बिजनेसेस के अंदर परफॉर्मेंस भी इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज होती है ज्यादा बेहतर इनसाइट होती हैं और कब किस वक्त कहाँ पर क्या मूव लेना चाहिए ये बिजनेसेस बेटर अंडरस्टैंड करते हैं ठीक है यहां तक हमने एक ई e बिजनेस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन या समझने की कोशिश की कि किस तरीके से इसकी डेफिनेशन काम करती हैं और बिजनेस को अप्लाई करते हैं थैंक यू सो मच अल्लाह